रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के लिए कौनो परिचय के मोहताज नहीं है। रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसा सुपरस्टार हव जे भोजपुरी के साथ साथ हिंदी में भी उतने ही पॉपुलर हव जितना भोजपुरी में। हिंदी फिल्म पीताम्बर से अपने अभिनय की शुरुआत करके भोजपुरी फिल्मों में आए और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए और अभी तक लगभग 165 से भी अधिक फिल्मों में काम कई चुकल बाड़न। रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसा इकलौता कलाकार हव जो सिंगर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्टर हैं। रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसा कलाकार हैं जिन्हें 7 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुकल बा। जब से भोजपुरी फिल्मों का अवार्ड शुरू हुआ तब से लगातार 5 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने में रवि किशन कामयाब रहे हैं। ईयर 2014 के बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें इनकी फिल्म धुरंधर के लिए मिला। इन्हें जिस फिल्म के लिए पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलल रहल उस फिल्म का नाम रहल पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई। अब ये उसी फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई 2। ये फिल्म रिलीज हो चुकल बा और अब देखे के ई बा का ई फिल्म भी इनके अवार्ड दिलाने में कामयाब हो पावेले की नहीं। तो इसी फिल्म के प्रीमियर पर भइल बातचीत में उ ए फिल्म के बारे में बतावलन, आप भी सुनी। ये सिनेमा भोजपुरी को सम्मान दिलाएगा, ये सिनेमा भोजपुरी को पहचान दिलाने के लिए बनाया गया और अब इसको नेशनल अवार्ड के लिए भी हम लोग भेज रहे हैं। ये फिल्म तो मेरी पहली फिल्म को मिला था कब हुई गौना हमार, उसके बाद अब इस सिनेमा को सम्मान मिलेगा और मैं बहुत खुश हूँ एज अ प्रोड्यूसर। ये फिल्म बना के मुझे गर्व है कि एक अच्छी फिल्म, मेरे मन की फिल्म मैंने बनाई और मुझे अपने मन का एक सिनेमा बनाना था। पंडित जी बताए ना ब्याह का वही पार्ट 2 बड़ा इंटरटेनिंग लग रहा है, सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं, एक्शन अच्छा लग रहा है, कहानी सबसे पहले ही बात ही अच्छी लगी, स्टोरी टेलिंग इसकी बहुत अच्छी है और लोग बड़ा स्टोरी में घुस जाते हैं और सिनेमा दर्शक हमारे भोजपुरी के जो अश्लीलता के आरोप में घिरे हुए रहते हैं इससे अपग्रेड हो रहे हैं, जो हिसाब से हमको रिस्पांस मिल रहा है ऑल इंडिया से। अवधेश मिश्रा ये फिल्म के खल पात्र हव। देखिए ई का कहत बाड़न ए फिल्म के बारे में। ब्याह का वही पार्ट 2 जो हमारी फिल्म है और जिस रूप में बिहार में दर्शकों ने इसको सराहा है, ये निश्चित तौर पे एक नई चीज़ है, अच्छी चीज़, थोड़ा सा कठिनाई से लोगों को पछती है लेकिन ये शायद पहली फिल्म है जिसको क्रिटिक्स भरपूर देखें और पूरा शो बैठ करके देखा, ये हम लोग के साथ ही देखा। अमूमन सॉरी क्रिटिक्स ज़्यादा देखते नहीं है सिनेमा, देखा और सब लोगों ने सराहा। एक बड़ी अच्छी हेल्दी इंटरटेनमेंट फिल्म बनाने की कोशिश की है रवि किशन जी ने, उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन से फिल्म बनाया है। बिहार में दर्शक इसको बड़े सराह रहे हैं, नए तरीके के एक्सपेरिमेंटल गाने हैं, लोग उसको मज़ा ले रहे हैं, सब चीज़ मिला जुला करके एक ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार फिल्म एक कहानी का एक वे है। कहानियाँ तो होती हैं अमूमन इधर से उधर से हम जोड़ जाड़ के कहानी बना लेते हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसके साथ सारे किरदार इसमें चल रहे हैं, जी रहे हैं और अपने अपने काम को सब लोगों ने अपने परफॉर्मेंस से बहुत ही बखूबी निभाया। संगीत भोजपुरी की तरफ से शुभकामना है इनकरा के ई फिल्म सुपर डुपर हिट होके। और आप सभी देखत रही संगीत भोजपुरी और सब्सक्राइब कइल मत भूली।